हे hey guys, वेलकम बैक टू द brand न्यू वीडियो ऑन द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग सो तुम लोग भी बोलोगे भाई वीडियो तो डालते नहीं हो कभी कभी प्रैक्टिस आते हो बस एक दो वीडियोस के लिए सो so, गाइज था ऐसा था कि मैंने पी से देखा पूरा बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे ये टीम के बारे में बात करनी चाहिए बट जैसे ही बी को मैंने देखा सो भाई क्या क्लीन फाइट ले गाई जिन लोगों ने स्टार्टिंग के फोर मैचेज लास्ट के दो मैचेज छेल रहे बट इस मैच में देखो मिल्टा में उतरे जोन इनकी सराउंडिंग में बना सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि अपने चेक पॉइंट के ऊपर एकदम से यहाँ पे टेरिटरी मार्क कर दी अपनी कि भाई ये हमारा चेक पॉइंट है हम यहाँ पे इसको लेने वाले हैं फटाफट से सो बहुत अर्ली रोटेशन थी इस मैच में उनकी मिल्टर से डायरेक्ट शेल्टर चले गई और जितने भी टीम्स आ रही थी यहाँ पर उनको भगा दिया सो so, इनकी फ़ाइट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद एक और मैच था जो अपना फेरी पियर में फिनिश हुआ था मैच का उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी फाइट्स ली थी उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा मैं बट आज के डे पे आज सारे मैचेस देखना एंड कल के वाले मैचेस देखना तो जोन बाई जोन की रोटेशन तो कुछ भी नहीं थी मतलब यहीं पर रह गए बट जोन बाई जोन दिखाता हूँ कि सीन जाता है ये थर्ड जोन था अपने पास एंड दिखते हो आप उसके बाद डी इनके पीछे थी यहाँ पर कुछ और सराउंडिंग्स में थी बट यहाँ पर जैसे फोर्थ शिफ्ट आता है ना इनके पास यहाँ पे क्रैश कंपाउंड है और उसके बाहर डी है लेफ्ट में यहाँ पे एक और टीम है सो तो डी को जोन की एंट्री दी है यहीं से गेम प्ले स्टार्ट हो जाता है अब इनकी फाइट्स के ऊपर देखना एंड थर्ड पार्टी कैसे करते हैं उसके ऊपर देखना सो तो यहाँ पे बहुत सारी फाइट स्टार्ट हो गई थी जैसे फोर्थ सर्कल आता है एक साइड वेम्पायर स्पोर्ट्स की दूसरी साइड फोर एम यहाँ पे फाइट ले रही थी बट दूसरे एज पे जो सर्दर्न uh, एज है अपना जहाँ पे बी थी वहाँ पे क्या होता है कि डी को चाहिए थी जगह सो यू हिल पे एक टीम यहाँ पे होल्ड कर रही थी अभी क्या रहता है कि ये डिप जो होती है इसको ले लेती है डी आर एस यहाँ पे एंड ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे लाइक इन जात फाइट लेते हैं एंड देखो कैसे मतलब ये बंदा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे बंदे पीछे से आते हैं गाड़ी में और इनको वाइपआउट कर इन्होंने बहुत अच्छे कैलकुलेटेड वे में फाइट ली बट उसी टाइम अगर तुम देखोगे सो बी क्या कर रही है एक बंदा यहाँ पे शैक पे एंगल बना चुका दूसरा बंदा यहाँ पे क्लोज आ चुका तीसरा बंदा यहाँ पे क्या करता है कि गाड़ी लेके आता है और फोर्थ जो प्लेयर था वो क्रैश कंपाउंड से यहाँ पे एडियस दे रहा है और नॉक भी निकाल देता है यू हाई और वो फिनिश कर देता है एंड एकदम से पूरी जितनी भी दो टीम्स थी मतलब एक तो मर गई थी ऑलरेडी एंड एक इनके पीछे थी उसको क्लियर कर देते हैं सो थर्ड पार्टी करके पूरा अपना एरिया क्लियर कर दिए एंड जब भी तुम्हारा ऐसा गेम प्ले आ जाता है ना कभी कि इतनी ईजिली तुम यहाँ पे अपनी साइड्स को क्लियर कर पाओ बैक को क्लियर पाओ तो मतलब दिस इज़ योर चिकन गेम क्योंकि नेक्स्ट स्कॉड को पुश करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एंड अभी इनके पास प्लिट दे होगा इस क्रैश कंपाउंड एक बंदा यू हिल के डिप पे प्लेयर्स से लेफ्ट जा सकते हैं डब्ल्यू बी जी पर भी पुश कर सकते हैं जो इनको ईजी एंट्री लगती है क्योंकि इनके पास अभी मल्टीपल एंट्रीज हैं इवन हॉल ऑफ फेम पर पुश कर सकते हैं ये लोग बिल्कुल राइट साइड में जहाँ पे आई एच सी का स्क्वाड है तो जब भी तुम्हारा ऐसा गेम प्ले आ गया मतलब समझ लो कि चिकन आ गया तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो इनका फाइटिंग स्ट्रेटजी तो मैं दिखाने वाला हूँ ये लोग पुश करेंगे टीम केसों पे जो सामने वाले डिप्पे टीम है टिक यू सो so, उस पर कैसे पुश करते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई माइंड ब्लोइंग मैच जब देख रहा था मतलब क्या खेल रहे भाई ये लोग देखो दो प्लेयर यहाँ पे सेम स्ट्रैटेजी दो प्लेयर यहाँ पे कवर फायर देंगे दूसरे एंगल को वॉच करेंगे दो प्लेयर यहाँ पे इनका आ, इनके ऊपर पुश कर लेंगे ट्राई करेंगे और इतना दूर रहेंगे कि नेड से इजिली वाइप आउट ना हो जाए इनके व्हीकल्स यहाँ पे सेफ रहें एंड दूसरी टीम का यूटिलिटी इनको वेस्ट करवाना है कि भाई तुम्हें जितने भी नेड मारने मार लो वो तुम डाल सकते हो अपने को तुम्हारा जस्ट ये नीड्स एंड टाइम जस्ट वेस्ट करवाना है और नॉक नहीं खाना है जो इनके सोल्टर्स का मतलब ये सोल्टर मारने के लिए नहीं हैं बस एक नॉक निकालना है इनको इजी नॉक विदाउट गेटिंग नॉक सो so, ये इनका सिंपल स्ट्रैटेजी रहता है अब देखो दो प्लेयर दूसरी साइड से कर फायर दे रहे हैं ये यहाँ पे आ गए इन्होंने बहुत सारा टाइम लिया एक भी नॉक नहीं दिया बट अभी क्या होता है ये प्लेयर को बहुत लो एनएच पी कर देते हैं दूसरी साइड को कॉल जा चुकी है कि भाई इधर नेट डालो बंदा बहुत लो है एंट्री निकल सकती है अभी देख रहे हो फर्स्ट एंट्री के लिए इतना सारा टाइम लगा दिया इनके पास इतने अच्छे एंगल है कि वो जो भी मूव करेंगे अब देखो ऊपर ऑफ एंगल बनाने के लिए गए प्लेयर्स तो पीछे फायर वाला प्लेयर रेडी है उसने यहाँ पे नॉक दे दिया असोल्टर्स क्या करेंगे जो बच्चे खुचे बंदे हैं उनको यहाँ पर मारेंगे ट्राई करेंगे तो एंगल ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे ये वाले शैक में एक एंगल यहाँ पे बन गया दूसरे प्लेयर अभी क्या करेंगे घुमाएंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ वाला बंदा जिसने एंगल बनाया वो डाउन कर देगा बिल्कुल क्लीन फाइट क्लीनेस्ट फाइट आई एवर सीन की भाई प्लेयर्स ने नॉक भी नहीं खाया और हाँ डिप वाले टीम को डाउन कर दिया उसके बाद अगर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्वाड स्क्वाड है आई की इसको ही मारने जाते हैं बट इसमें भी गाइस तुम अगर एंगल देखोगे ना तो इनके सॉल्टर को कोई दिक्कत नहीं उसको पता है कि जो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लेयर पीछे से जो कवर फायर दे रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग कवर फायर दे रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी क्या रहता है इसके पास कि इसने एक नेड करा पहले लो करी थी आई एच के प्लेयर को पीछे यहाँ पे एक और स्क्वाड थी इन्फ्लुएंस कैमिन वाली तो दूसरे बंदों ने एंगल बनाए एंड जैसे यहाँ पे आई एच सी को नॉक दिया तो दूसरी साइड से देखो कितना हैवी रिटेलिएशन फायर आ रहा है कवर फायर आ रहा है कि भाई ये लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे इनको भागना ही पड़ेगा इसके पास खुली अपॉर्चुनिटी है कभी भी जाके उनको मार दे सो so, मतलब अगर ऐसे पीछे से प्लेयर कवर तो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं जो आगे का सल्टर होगा वो कभी भी नहीं डरेगा उसको पता है कि मेरे प्लेयर्स मुझे प्रॉपर कवर फायर दे रहे हैं सो so, अभी क्या रहता है कि इनका देखो अभी स्प्लिट देखो राइट साइड में आई को ब्लॉक करना चाहता एंड लेफ्ट में स्टाइल्स होल्ड कर रहे हैं इनको बस स्टिल अभी फिर से सेम काम करना है कि भाई एक साइड की स्क्वाड को डाउन करना है ताकि इनको एंट्री मिल जाए वो सेम सिचुएशन जब इन्होंने डी आर एस वाली स्क्वाड को डाउन कर रहा था बट इस बार ईजी होने वाली है क्योंकि इसने इन्फो ले ली कि भाई यहाँ पे एक ही बंदा है मैक्स टू मैक्स दो हो सकते हैं और वो भी यहाँ पे लाइक स्मोक में है सो so, क्या करते हैं फटाफट से इनको ऊपर पुश कर देते हैं कि उनको पता था कि सामने कोई प्लेयर है ही नहीं जो इनको मार सके तो इसको फटाफट से भगा के ये वहाँ डाउन करते हैं सामने डीके का भी एक प्लेयर बचा हुआ होता तो है उसको भी यहाँ पे स्पॉट कर लेते हैं प्लेयर्स एंड डाउन कर देते हैं बाकी लास्ट की जो फोरी फोर फाइट होने वाले ने गाइस वो भी इनको लेने का जो भी जैसे वो फाइट ली है उसका भी तरीका मैं तुम्हें तो दिखाने वाला हूँ वो भी बहुत अच्छी थी सो क्या हुआ अभी फोर ही फोर बच गई जैन फॉस्टर इधर आ गया बाकी बंदों ने अलग अलग एंगल बना लिए दो प्लेयर पुश करते हैं दो बंदे बहुत ओवर वॉच करने के लिए दूर रहते हैं सेम हर टाइम सेम स्ट्रैटेजी रहेगा कि दो प्लेयर यहाँ पे आगे जाएंगे जो यूटिलिटीज़ वगैरह बेस्ट करवाएंगे थोड़ा दूर रहेंगे एंड पीछे वाले बंदे क्या करते हैं नॉक निकालने की ट्राई करते हैं कि भाई हाँ ये इनको लल जाएंगे थोड़ा सा अगर कोई प्लेयर ऊपर आया तो पीछे वाला बंदा नॉक निकाल देगा ये बंदे पुश कर देंगे तो अभी क्या रहता है कि इन्होंने इनका पूरा जोन ब्लॉक कर दिया दो प्लेयर बिल्कुल आगे जा चुके हैं दो प्लेयर बिल्कुल एजिस पे हैं जो कवर फायर बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं एक शैक पे बैठा रहता है सो तो जेन फॉस्टर के एंगल से एक नॉक यहाँ पे भी निकलता है एंड ये लोग क्या करते हैं ये लोग क्लोजिंग कर देते हैं जैन फॉस्टर अभी इसी पोजिशन पर रहेगा क्योंकि बहुत बढ़िया पोजिशन अगर प्लेयर कोई ऊपर आता तो डाउन कर सकता है एंड इनके हाथ में पूरी फाइट थी सभी क्या रहता है कि स्टार जो था पीछे वो भी आगे चल जाता है सुपर बॉय जो यू हाई बॉय वो बो ऑलरेडी आगे था एंड लाभ पर इनका एक और असल्टर है वो भी आगे था बट यहाँ पे सिचुएशन ना थोड़ी सी गलत हो जाती है क्योंकि अभी क्या रहेगा जैसे इन्होंने ब्लॉक किया था तीन प्लेयर एक साथ होते हैं अगर ये दो होते तो मे भी ऐसा हो सकता था कि ये यहाँ पर नॉक नहीं खाता प्लेयर बट चलो यहाँ पर नॉक खा लेता तो उसके बाद बिना इनके गईस असल्टर इतने अच्छे है ना डी के मामले में तो ऐसे हर एक शॉट कनेक्ट कर रहे हैं जितना मैंने देखा अगर तुम इसके आगे वाला गेम प्ले देखोगे तो कल की अगर तुमने स्ट्रीम नहीं देखी देख सकते हो यू हाई ने नॉक निकाला यहाँ सुपर बॉय ने एंड इसने बंदे ने कितना टाइम बाई किया कि भाई ये नंदा नॉक ना खाए बट सुपर बॉय के ऊपर भी ये पुश कर देते हैं उसको मॉली मार के डाउन कर देते हैं जेन फर्स्टर लास्ट प्लेयर बचता है एंड उन अब तुम उसको देखो बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा तुम उसको देखो किस हिसाब से वो बंदा खेल रहा है माना कि दूसरी टीम के प्लेयर ने भी छोटी मोटी गलती करी है पे जो ऑफ़ एंगल बनाने के लिए आगे आता है, बट जैन को देखो अकेला प्लेयर सामने इसके तीन चार प्लेयर हैं, इनको यहां पे डाउन करने की ट्राई करेगा ये बंदा ये पहला नॉक एक दूसरा नॉक मतलब एक को फिनिश कर दिया एक को नॉक कर दिया अभी भी दो प्लेयर है जो क्लोजिंग इसके ऊपर करने वाले हैं सो so, एक तो ऑलरेडी ऑफ एंगल बना के आगे आने की ट्राई कर रहा है सबको फिनिश कर दिया अकेला बचा हुआ है इसको बस यहाँ पे तीन बंदों को मारना एक बंदा फिर से रैप हो जाएगा इसकी पोजीशनिंग देखो भाई इसके ऊपर कितना प्रेशर था इस टाइम पे तब भी इस बंदे ने कितनी इजीली यहाँ पे इस फाइट को निकालने की ट्राई करी लास्ट में बस आ, समझ जाओ कि मोहली लगने की वजह से डाउन हो जाता है अगर एक दो गोल लग जाती है उस बंदे को तो ये क्लच कर देता है इस टाइम पर ऐसे सोल्डर अगर होंगे तो बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में और देखने में भी जो देखो इसने यहाँ पे फायर कर दिया गलत करा बट मे बी इसको लग रहा था कि भाई वो इसे देख सकता है पहला नॉक किए निकाला दूसरा नॉक ऑलरेडी दे चुका था लास्ट प्लेयर यहाँ मॉली डाल के पुश कर रहा था इसने हील करा उसके आगे जा इसको मारने ट्राई करता है बट वो उस टाइम तक एक और मॉल फेंक चुका था जो यहाँ तक फैल चुकी थी तो ये प्लेयर डाउन हो जाता है एंड इवन उसने भी इसको मारा था बट बहुत मज़ा आया यार आज के सारे गेम्स तुम दिखना एंड पी टी आर का गेम प्ले दिखना और भी कुछ स्कॉड्स का गेम प्ले दिखते हो सारी स्कॉड्स बहुत अच्छा खेल रही है अब एम्पायर स्पोर्ट्स का कम बैक मैं वेट कर रहा हूँ वीवो गेमिंग लास्ट मैच में अच्छा खेली और भी बहुत सारी स्कॉड्स हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ एंड अभी कंसिस्टेंट हो जाऊंगा यूट्यूब पर जैसे ही बूट के मैं चाहता हूँ यू बाय सपोर्ट बनाए रखना